हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं, तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोगों का जो है, जैसा कि पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिरर इमेज और वाटर इमेज, है ना, जिसमें आप सबको बहुत मज़ा आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का यही दूसरा पार्ट है आपका, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में आप एक चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं और बिल्कुल इजीली तरीके से, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल मिरर और वाटर का ही यहाँ पर यूज हम लोग करके जो है पेपर कटिंग और फोल्डिंग करने वाले हैं। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल है और यहाँ पर एक सर्कल है आपके सामने, एक सर्कल यहाँ पर था पहले, फिर इसको क्या किया, इसको मोड़ दिया गया, एक इसको मोड़ दिया गया है, फिर इसको मोड़ा गया है और फिर इसको एक बार मोड़ दिया गया है। टोटल जो है चार बार इसको मोड़ा गया है ना। तो बताना है कि मोड़ने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक कट लगा दिया, यहाँ पर एक क्या किया, कट लगा दिया। तो बताइए अगर ये कट लगा है मोड़ने के बाद तो ये कैसा दिखेगा? तो सिंपल सी बात है कि ये आपका फिगर है। ठीक है, अब इसमें कट लगाया है, इसका मतलब आप गोल, कोई गोल सा आप ले लीजिए बुक। ठीक है, जैसे हम कोई एक पेज ले लेते हैं आपके सामने, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उसके बाद हम बिना प्रैक्टिकल का करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, देखिएगा ये पेपर है आप, हम इसको जो है पहले गोल काट लेते हैं इसको। ठीक है, आप लोग फिलहाल इसका आंसर दीजिएगा, तब तक हम जो है इस पर कुछ कारनामा करते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा सब लोग, और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए, तो हमने क्या किया, एक गोल टाइप का हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, मानना है कि ये गोल है। अब क्या किया, इसको पहले क्या किया देखिएगा, इस तरह से समझिएगा इसको, इसको पहले ऐसे मोड़ा। ठीक है, उसके बाद जब ऐसे मुड़ गया तो फिर यहां से ऐसे मोड़ दिया, उसके बाद फिर यहां से एक बार ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर एक बार इसको ऐसे मोड़ दिया गया है। बात आ रहा है समझ में? देखिए मुड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपका दिख रहा है, मुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ देखिए इसको चार बार मोड़ा गया है। बात आ रहा है समझ में? इसको चार बार मोड़ा गया है, चार बार मोड़ने के बाद इसमें एक कट लगा दिया गया, मतलब यहां से काट दिया गया है। तो देखिए यहां से हमने काट दिया, अब इसको हमने क्या किया, इसको हम खोलते हैं। जैसे ही हम इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये कुछ कैसा दिख रहा है बाबू? और ऐसा देखिए कौन सा फिगर में ऐसा दिखाई दे रहा है, कौन सा फिगर में ऐसा दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक होल बना है और वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो प्रैक्टिकली आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ईजी है। चलिए, अब बार बार हमको पेपर कटिंग ना करना पड़े उसके लिए क्या करना है, मिरर और वाटर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दूसरा सवाल, बताइएगा, सवाल नंबर आपका दूसरा है तो इसका आंसर आप आंसर भी आपको देना है। चलिए फास्ट करेंगे सब लोग। चलिए यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर समझने वाली बात है, ये सब तो थोड़ा इजी सवाल आ गया। देखिएगा, तो पहले एक क्या था, स्क्वायर था, मतलब स्क्वायर कटिंग एक पेपर था, चारों तरफ से क्या था, स्क्वायर कटिंग एक पेपर था। उसके बाद उसको क्या किया गया, मोड़ दिया गया एक बार, फिर इसको क्या किया, एक बार जब इस तरह से जब मोड़ा गया तो फिर यहां से ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर जब यहां से पूरा मोड़ा फिर इसको कोना के रूप में मोड़ दिया गया। बात आ रहा है समझ में? यानी कि जब ये पूरा मोड़ मार के इतना सा आ गया तो फिर इसको क्या किया, यहां से मोड़ा और फिर इसका जो है इसका शीर्ष भाग से एक बार मोड़ दिया गया है और यहां पर लगा दिया कट, यहां पर लगा दिया कट। अब जब ये कट लगा तो ये खुलेगा, तो बताइए यहां पर जब ये खुलेगा तो यहां पर देखिए, यहां पर जब ये इसको खोलेंगे तो ये मतलब जो खुलेगा तो यहां पर भी कट आ जाएगा, जब ये खुलेगा तो यहां पर भी एक कट दिखेगा, और जब ये खुलेगा तो यहां भी कट दिखेगा, और जब ये यहां से खुलेगा, यहां से ऐसे खोलेंगे तो यहां भी कट, ओवरऑल जो है चारों तरफ ये कट लगा हुआ हमें दिखेगा, और ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? चलिए आइएगा अगला सवाल करते हैं, फिगर नंबर तीसरा। देखिएगा, पहले एक स्क्वायर शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ा, फिर एक छोटू सा स्क्वायर में इसको मोड़ दिया और एक कोना पर लगा दिया कट। अब जब ये खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा? जब ये खुलेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये है हमारा आपसे सवाल। कर पाएंगे सब लोग? चलिए फास्ट करिएगा, थर्ड नंबर सवाल है। ठीक है, देखिएगा, जब हम इसको खोलेंगे, जब हम इसको जैसे मोड़े हैं उसी प्रकार से हम खोलेंगे इसको, जब हम इस तरह से इसको खोलेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये खोलेंगे, तो देखिएगा जब यहाँ पर हम इसको खोलेंगे इसका मतलब यहाँ पर भी एक कट मिल जाएगा हमें। अब जब हम इसको पूरा खोल देंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ भी कट मिलेगा और यहाँ पर भी हमको कट मिलेगा। ऐसा फिगर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, जहाँ पर भी आपको खोलना है वहाँ पर आप एक मिरर का रूप लेना है। आपको क्या लेना है? मिरर का कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब देखिए, यहाँ पर से हमको इसको खोल रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा हमको क्षैतिज रूप में खोल रहे हैं, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बनाइए एक छोटा सा मिरर। जब ये मिरर छोटू सा बना हुआ दिखेगा तो ये मिरर जो है, देखिएगा इस तरह से जो भाग रहा है ना, ये जो फिगर है इसमें क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, कि ये जो फिगर है इसमें कुछ इस तरह से फिगर में भाग रहा है। यानी कि जब हम इसको खोलेंगे और यहाँ एक दर्पण का काम करेगा तो ये कुछ इस तरह से भागेगा। मिरर से जितना नज़दीक कोई लाइन होता है, मिरर से उतना ही वो दूर भागता है। इस बात को हमने जिक्र किया था मिरर इमेज और वाटर इमेज में। कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, देखिएगा, तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर भी एक कट हमें दिखाई देगा। और जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो क्या ये ऐसा कट यहां नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर जब हम मोड़ रहे हैं तो यहां पर भी आपको एक दर्पण मानना है, और दर्पण में जो चीज जितना दूर रहता है, जितना नजदीक रहता है, उतना ही ये दूर भागता है। तो कुछ फिगर ऐसा दिखेगा, और ऐसा वाला फिगर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी हमारा आंसर, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। जहां पर भी आपको मोड़ना है या खोलना है, खोलते समय आपको क्या करना है, वहां एक दर्पण बना लेना है, एक मिरर बना लेना है, फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करिए। चलिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर एक छोटू सा कट लगा है इस तरह से। यहाँ पर जो है एक छोटू सा कट लगाया गया है ना? फिगर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ थोड़ा सा कंप्लीटली दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ यहाँ क्या किया गया है, एक छोटू सा कट लगाया गया है। अब बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ कट होने के बाद। ठीक है, चलिए आपको टाइम दिया जाता है 10 सेकेंड का, बताइएगा। चलिए, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो हुआ है ना, यहाँ पर एक कट लगाया गया है, कट लगाया गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कट लगाया गया है। अब हम जैसे जैसे ये खोला, पहले ये पूरा था, रेक्टेंगुलर शेप में खोल दिया, फिर एक स्क्वायर शेप में इसको मोड़ दिया, और फिर एक बार मोड़ करके, यहाँ से एक बार मोड़ करके क्या किया, यहाँ पर कट लगा दिया। तो बताइएगा, अगर हम इसको खोलना चाहें, अगर हम इसको खोलना भी चाहें, तो बताइए जब ये खुलेगा इस टाइप से, जब ये इस टाइप से यहाँ पर खुलेगा, तो बताइए ये कट जो यहाँ है क्या यहाँ दिखाई देगा? यस या नो, क्या यहाँ यहाँ पर दिखाई देगा? और जो कट आपका जो है यहाँ है, ये कट कहाँ चलाएगा? डायरेक्ट यहाँ चलाएगा, मतलब यहाँ पर भी कट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक मिरर का काम कर रहा है, एक मिरर का काम कर रहा है। तो जब हम इसको खोलेंगे, इमेजिन करिए, खुद के ऊपर इमेजिन करिए थोड़ा सा, कि जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पर, तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जो ये नीचे वाला कट है, ये जस्ट इसके सामने, क्योंकि यहाँ मिरर है तो उतना ही दूर बनेगा। तो बताइए ऐसा कट आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे में डबल कट रहना चाहिए, यहाँ सिंगल कट है नीचे में, ये तो कोना कोनी कट है। तो डी आंसर खत्म हो गया, यहाँ पर तो कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरा कोना गायब कर दिया, जबकि कोना पर तो कुछ किया ही नहीं गया है, तो ये भी कट गलत हो गया, और ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो आंसर केवल और केवल सी की संभावना बनती है, और सी इज द राइट आंसर, है ना?
ऑफ दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा सा इसको खोलिएगा ना तो ऑप्शन अपने आप डिसाइड हो जाएगा, पूरा करने का जरूरत ही नहीं है। और यकीन मानिए जहाँ भी आप खोल रहे हैं अगर आप मिरर का कॉन्सेप्ट से यूज करिएगा तो कभी गलती का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखें हम, चलिए अगला बताइएगा। देखिए एक बड़ा सा पेपर है, इसको रेक्टेंगुलर है ट्रायंगुलर मोड़ा गया है, त्रिभुज के रूप में मोड़ा, फिर जब ये त्रिभुज के रूप में मोड़ा तो फिर यहाँ से एक मोड़ लगाया गया है, यहाँ पर से जब एक मोड़ लगाया तो कुछ इस तरह का बना, और फिर यहाँ से आधा के आधा भाग से फिर इसको मोड़ दिया, और यहाँ पर एक जो है सर्कल नुमा अर्ध सर्कल सेमी सर्कल के रूप में जो है क्या किया गया, इसको कट लगा दिया। तो बताइए जब ये पूरा ओपन होगा तो कैसा दिखाई देगा। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग, चलिए बताइएगा। चलिए बात सिंपल है, बात देखिए सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर कट लगाया तो हम जैसे इसको मोड़ा है उसी रूप में खोलेंगे। पहले इस तरह का था, देखिएगा पहले इस तरह का फिगर था, अब यहाँ से इसको क्या किया यहाँ पर मोड़ दिया है, तो खोलेंगे भी तो इसी तरह से ने, तो जहाँ पर भी ये खुलता है वहाँ मानिए कि दर्पण रखा हुआ है। अब बताइए अगर यहाँ पर ये इस तरह का कट है और यहाँ दर्पण है तो ये भी तो ऐसा ही दिखाई देगा, गोल एकदम गोल, तो यहाँ पर भी एक क्या दिखेगा, गोल दिखेगा। तो यहाँ पर गोल आपको कौन कौन सा फिगर में दिख रहा है, डी में तो दिख नहीं रहा है, डी में दिख नहीं रहा है, ए में तो कतई नहीं दिख रहा है यहाँ पर हमारा कट लगा हुआ, सी में आपका दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन का संभावना बनता है, ऑप्शन नंबर बी। पलक झपकते ही आप आंसर करेंगे अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट का यूज करते। देखिए ज़्यादा हमें करना भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको खोलेंगे, इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये जो लाइन है ये यहाँ दिखेगा और ये जो सर्कल है कुछ यहाँ पर बना हुआ दिखेगा, तो जब आधा भाग बन गया तो इसका उल्टा भी बना ही दीजिए, केवल बी में दिख रहा है और बी हमारा क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 8 नंबर करिएगा सब लोग, क्वेश्चन पेचीदा नहीं होता, बस आपका ध्यान जो है थोड़ा सा केंद्रित करना रहेगा यहाँ पर। चलिए आपको यहाँ पर टाइमिंग दे रहे हैं हम, यहाँ पर कितना देर का, 10 सेकेंड का। चलिए बनाइए सब लोग क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 10 सेकेंड से आप ज़्यादा ले चुके हैं, आप देखिएगा यहाँ पर कट लगाया, इसका मतलब है कि अगर हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह से खोलेंगे, तो जब ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, जितना दूर ये कट है यहाँ पर लगा दीजिए मिरर, यहाँ पर लगा दिए हम मिरर, तो ये जो कट है ये उतना ही टाइम से दिखेगा यहाँ पर। अब ये जो सर्कल है ये कोना के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पर एक सर्कल दिख जाएगा, ये वाला सर्कल। अब ये जो सर्कल है जितना मिरर के नज़दीक है उतना ही इधर आ जाएगा, तो मतलब ये सर्कल कुछ यहाँ दिखेगा, जब एक भाग बन गया अब इसको पलटेंगे तो क्या कुछ इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा, क्या कुछ यहाँ से भी कट दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब जब यहाँ पर सटा हुआ है तो यहाँ पर भी सटा हुआ आएगा 4, और जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ इस दोनों कोना में भी एक एक सर्कल आ जाएगा, तो अब आपको क्लियरली फिगर दिख रहा होगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। ऐसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का तो संभावना बन ही नहीं रहा था, केवल और केवल बी का बन रहा है यहाँ पर, यही आपका क्या है आंसर है। ये कोना के तरफ सर्कल है और यहाँ पर कोना के तरफ सर्कल नहीं है बल्कि बीच में सर्कल डाल दिया है, तो बताइए जो यहाँ कॉर्नर वाला भाग है वहाँ सर्कल जब नहीं है तो आंसर केवल और केवल बी का संभावना बनता है और यही आपका क्या है आंसर है। जैसा पेपर को मोड़ा गया है फोल्ड किया गया है वैसा ही आपको ओपन करना है, सिंपली समझना है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए फास्ट बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो कर पा रहे हैं सब लोग। चलिए देखिएगा आखिर यहां पर हुआ क्या है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, बस समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पर एक पहले तो एक सर्कल था और एक सर्कल को क्या किया, मोड़ दिया, और ये जो सर्कल है मुड़ने के बाद यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिला दे दोनों तरफ तो एक सर्कल का रूप बन गया।
अगर हम इसको खोलेंगे, इसको जो खोलेंगे तो बताइए ये जो डब्बा है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब ये डब्बा कुछ बड़ा बन जाएगा। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, ये डब्बा यहाँ पर क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कट है जब ये खुलेगा तो बताइए, अगर यहाँ पर एक कट लगा है और यहाँ एक दर्पण हम लगा दे तो ये कट कैसा हो जाएगा? जस्ट ये पलट जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो बताइए ऐसा वाला कट कहाँ कहाँ दिख रहा है? डी में तो कतई नहीं है और ऑप्शन नंबर सी में तो है नहीं, केवल और केवल ए और बी में ऐसा कट दिख रहा है। ठीक है, दो सर्कल भी आ रहा है ना, दो रेक्टेंगल भी यहाँ पर आ रहा है और एक कट भी यहाँ पर लगा हुआ मिल रहा है, मतलब आधा भाग तो हमने यहाँ पर मैच कर लिया। लेकिन क्या आप यहाँ पर नजर डाले तो क्या नीचे की तरफ कहीं कट है? नहीं है सर, नीचे की तरफ कट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जब गौर से देखिएगा तो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। ठीक है, और बीच वाला जो कट है जब इधर मुड़ेगा तो ये पूरी तरीके से रेक्टेंगल नुमा का शेप ले लेगा और केवल ए में दिख रहा है। तो केवल और केवल इस कट की वजह से जो सेंटर में लगा है इसके वजह से बी को गलत मान लिए हम, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ध्यान से आप देखिए और जहां जहां आप खोल रहे हैं पेपर वहां आप एक मिरर रख दीजिए, सिंपली आपको यही समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चलिए करिएगा इस सवाल को, आप कैसे करेंगे? ठीक है, टाइमर नहीं लगाते, जगह कम पड़ जाएगा। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट करिएगा। चलिए सब लोगों ने यहाँ पर आंसर किया भी होगा। देखिएगा तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको खोलना चाहें, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो मतलब साफ दिख रहा है कि ये कोना के तरफ दो दो को क्या है कट लगा हुआ है। तो जहां भी जो कोन कोन के तरफ ये जब खुलेगा तो बताइए यहां पर भी दो कोन के तरफ कट रहेगा, यस या नो? अगर हम इसको पूरी तरीके से मिला दे, यहां से चार भाग में हम इसको बांट दिए तो ये जब खुलेगा तो क्या यहाँ पर कट दिखेगा? और जब ये खुलेगा तो यहाँ पर भी कट दिखेगा क्योंकि यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ से खुलेगा तो ये जो है पलट जाएगा, यानी यहाँ भी कट दिखेगा। तो बताइए चार कट केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और किसी भी फिगर में नहीं दिख रहा है। बात क्लियर है? तो डी आंसर आपका सही है। अगला देखिए, कोशिश करिए, ठीक है, सबसे बनेगा और 100% बनेगा। चलिए फिगर है आपके सामने, बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के रूप में इसको मोड़ लिया और यहाँ पर लगा दिया एक कट, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया गया इसमें। तो जैसे जैसे ये मोड़ा है ना उसी प्रकार से आपको खोलना है यहाँ पर। चलिए देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, सरसरी निगाहों से एक बार इसको प्यार से देखिए, अब देखिए कैसे इसका आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जब ऊपर खोलेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कोन, जो कोन है ना इसका कॉर्नर वाला भाग, उसके ज्यादा नजदीक ये सर्कल है। तो ये जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी कुछ उतना ही दूर सर्कल दिखाई देगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर हमने मिरर लगा दिया। अब जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो बताइए यहाँ पर भी आपको एक सर्कल दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो बताइए कॉर्नर भाग पर डबल सर्कल केवल और केवल बी में दिख रहा है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके का एग्जाम मेरे में भी रहेगा क्वेश्चन, तो आपको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। अब जब आधा भाग खुल गया तो पूरा खोल दीजिए। तो यहाँ जब इस तरह से जब आधा खुलेगा, ये जब आधा इस तरह से खुलेगा तो यहाँ भी आपको एक सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो चारों तरफ सर्कल बन जाएगा इस तरह से जब ओवरऑल खुलेगा तो केवल और केवल बी के जैसा दिखेगा। आइए अगला, इस सवाल का आप लोग आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी।
चलिए, तो सब लोग यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर ज़्यादा कौन सा टिक कर रहे हैं, सी आंसर टिक कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अब देखिए हम इसको जब खोलेंगे तो यहाँ एक मिरर लगाएंगे तो यहाँ भी एक सर्कल दिखेगा, जब इस साइड खोलेंगे तो यहाँ भी सर्कल, ऊपर तक की तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी सर्कल और यहाँ भी सर्कल, तो ऑप्शन नंबर सी की संभावना ही बन रही है, तो सी आंसर हो जाएगा। आइए तो इस सवाल को करिएगा। चलिए क्या लगता है बन जाएगा? अब यहां से देखते ही जो है ऑप्शन नंबर डी को आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कट जो है तिरछा लगा हुआ है, बाकी बच गया तीन ऑप्शन, और तीन ऑप्शन में जो कट है वो सीधा लगा हुआ है। तो बताइए आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सीधा कट है तो ये खुलेगा तो कुछ इस तरह से ही खुलेगा ना, और जब इसको एक बार और खोलेंगे तो यहां पर भी एक दिखेगा, मतलब साफ है कि जो भी यहां कट रहेगा वो लंबवत रहेगा, कतई तिरछा नहीं हो सकता है। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या है, इस तरह से है, लेटा हुआ है, मतलब क्षैतिज रूप में, जबकि ये उदग्र रहना चाहिए कटा हुआ, और उदग्र कट केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, चलिए बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए 10 सेकेंड के अंदर। चलिए कर पा रहे सब लोग? चलिए अगर हम इस ट्रायंगल को पूरा बनाकर देखें, अगर इस ट्रायंगल को हम पूरा बना दें कुछ इस तरह से, ठीक है, उसके बाद हम इसको खोलेंगे तो यहाँ दर्पण लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, छोटू सा दर्पण, तो ये जो कट है ना थोड़ा सा आधा स्क्वायर वाला, ये रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। क्या ले लेगा बाबू? रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक डी में दिख रहा है और एक बी में दिख रहा है, तो ए को हटा दीजिए और सी को हटा दीजिए, बात इतना सा है। अब ये जो कट आपको इतना सा दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कट आपको इतना सा दिख रहा है, ये कट कहाँ चलाएगा, ये कट कहाँ चलाएगा, वो यहाँ चलाएगा। ये कट कुछ रेक्टेंगुलर कट है, क्या हो रहा है, ये कट क्या है, कुछ रेक्टेंगुलर कट है, मतलब ये कट कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगा, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर केवल और केवल कहाँ दिख रहा है, ओ सॉरी सॉरी, हाँ बी में तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप ध्यान से अगर इस पर नज़र डालें तो बी में कभी एक रेक्टेंगुलर के दो जगह पर कट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोना में, कोना से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कट हो सकता है, कोना में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो बी तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बात केवल और केवल डी तक पहुँचा, तो डी ने कहा फाइनल है भाई, मेरे से बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये बिल्कुल मेरे घर का क्या है, सदस्य है, तो ये जो फिगर है ये डी से बिल्कुल मैच कर गया। आप ध्यान से देखिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है, और बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जिसमें एग्जाम में स्टूडेंट को सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, यही रीजनिंग का आविष्कार ही इसीलिए किया गया है कि उसका जो है सेंस मजबूत हो, सेंस जो है उसका डेवलप हो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा ट्राई करके, चलिए बताइएगा। तो इस सवाल का आंसर कर पा रहे हैं सब लोग? चलिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा है? चलिए एक बात तो फिक्स है कि ये जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो यहां एक दर्पण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दर्पण, और जब हम इसको खोलेंगे तो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो क्या बताए थे कि जो चीज नीचे की तरफ भागता है और यहाँ पर कट है, मतलब ये वाटर का रूप ले रहा है, क्या ले रहा है बाबू, वाटर इमेज का रूप ले रहा है। तो वाटर में क्या बताए थे, जो चीज दर्पण से जितना नीचे जाता है उतना ही वो ऊपर की तरफ भागता है, मतलब ये जो चार गो है डब्बा, ये गोल गोल ही मान लेते हैं, लेकिन है ये थोड़ा सा चौकोर टाइप से है, तो ये जो डब्बा है कुछ इस तरह से भागेगा, तो बताइए ऐसा आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, डी में कतई नहीं हो सकता है, और सी तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तिरछा भगाना है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ भी एक दर्पण लगाइए,
जब यहाँ एक दर्पण लगाएंगे तो बताइए कुछ इस तरह से, ये जो है इस तरह से भाग रहा है, तो ये जब दायां, ये जो बायां भाग रहा है तो दर्पण की तरफ दायां भागेगा क्योंकि ये बायां की तरफ भाग रहा है, तो कुछ यहाँ पर कट दिखेगा और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से कट दिखेगा। तो बताइए ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और बी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। पेपर कटिंग का इस क्लास को करने के बाद आपको ऐसा रियलाइज होगा कि 90% आप कवर कर चुके हैं और बाकी 10% कवर होगा वो आपके प्रैक्टिस से, आपके सोचने से। ये कोई ट्रिक नहीं है कि हम आपको सिखा दे, कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं है कि आपको पिला दे, प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है और खुद अगर थिंकिंग करें तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, 28 क्वेश्चन है फिलहाल, आपको जो है इस पर एक ध्यान नहीं देना है, आंसर बताइए। चलिए, कर पा रहे सब लोग? चलिए, तो सब लोग जो है यहां पर आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का हमें गलत भी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, देखिएगा, एक बात तो फिक्स है कि ऑप्शन नंबर ए को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जैसे इसको मोड़ा है उसी तरीके से इसको खोलना सीखिए। ठीक है, इस भांति मोड़ा है, तो जब हम इसको खोलेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो बताइए किस प्रकार से ये खुलने वाला है, फटाफट बताइएगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से यहां पर कट दिखाएगा, जो यहाँ कट है ये कुछ इस तरह से यहाँ कट आ जाएगा, यस या नो? अब जो ये यहाँ कट है कुछ इस तरह से यहाँ कट दिखेगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बताइए कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है? चलिए यहाँ पर अगर हम नजर डालें, 28 नंबर है ना, तो ये जो है ऑप्शन में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कोना के तरफ तो कट होना ही चाहिए इस तरह का कट, क्योंकि जब दोनों तरफ खुलेगा तो यहाँ दोनों तरफ कट आ जाएगा, तो इसको चौकोर टाइप से खोल ले तो ये जो कट है, अगर हम यहाँ दर्पण मान ले कि यहाँ भी दर्पण है, तो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा, और जब ये खुलेगा तो यहाँ पर भी ऐसा बनेगा, और ये जो कट है यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो ऑप्शन में जो है थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि यहाँ पर जो है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो कट है ना ये यहाँ यहाँ रहना चाहिए, मतलब कॉर्नर वाले भाग में। तो कोई भी ऑप्शन हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं, बात आ रहा है समझ में? क्योंकि इसको एक ही बार मोड़ा है, इसको एक ही बार मोड़ा और फिर इसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, हाँ, अगर ये कट यहाँ रहता ना तो ऑप्शन नंबर सी को हम फाइनल कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोन के पास भी कट तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोन के बाद कट होना चाहिए, बात आ रहा समझ में? तो हम सी को तो कह सकते हैं लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोना के पास जो कट ही नहीं है, बीच में कट लगा दिया गया है। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पेपर ले ले छोटा सा, हम यहाँ पर अगर एक छोटा सा पेपर ले ले और इसी भांति अगर हम इसको मोड़े, ठीक है समझिएगा, इसी भांति अगर सबसे पहले इस तरह का पेपर था, इसको सबसे पहले इस तरह से मोड़ा गया है, हमने मोड़ दिया इसको लंबवत के रूप में, हमने इसको लंबवत के रूप में मोड़ दिया, उसके बाद फिर एक बार इसको मोड़ा गया, एक सेकेंड, फिर इसको क्या किया, इस तरह से मोड़ दिया गया है। तो अगर ये मोड़ा है और फिर इसको पलट के इस तरह से कर दिया, तो ये जो कॉर्नर वाला भाग है अब ये बीच का रूप ले लेगा, बात आ रहा है समझ में? तो ये जो कट यहाँ दिख रहा है, एक बात फिक्स है कि अगर ये कॉर्नर इस टाइप से मोड़ा है, बात आ रहा है समझ में, ये चार कॉर्नर अगर एक साथ है, तो अगर ये पलट करके इस तरह से मोड़ा है, अगर यहाँ कट लगाया तो ये जो कट है ये बीच में कट आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर अगर काटना चाहें इसको, तो ये कट कहाँ चला गया, तो ये कट देखिए बीच में चला गया, ये कट कहाँ चला गया बाबू, बीच में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये उल्टा भाग से मोड़ा है तो कुछ इस तरह से ये कट होगा, कुछ इस प्रकार से ये कट हो जाएगा, वरना ये सी में ही हो सकता था, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह से मोड़ा है तो ये कट जो है एकदम डिफिनेटली तौर पर ये कट कहाँ दिखेगा बाबू, इस तरह से यहाँ दिखेगा, बात आ रहा है समझ में? ये तो बात फिक्स है कि जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर ये कट रहेगा ही रहेगा। तो इसका जस्ट मिरर बना दीजिए, इसका जस्ट मिरर बनाइए, तो ऊपर की तरफ मोड़ रहे हैं ना,
तो ये जो कट है आपका ये त्रिभुजाकार, यहाँ पर भी ये कट आ जाएगा। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आधा भाग मोड़ दिए, आप आधा इसको खोलिए तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रैक्टिकल करके हम आपको समझा रहे हैं। अब जितना हमसे कोशिश हो रहा है आपको समझाने का, उतना हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रीजनिंग का बुक होगा नहीं बनेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि आखिर क्यों हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन को हम क्या कह सकते थे, इसको पूरी तरह से गलत साबित कर चुके थे, लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि इसको जो है कुछ उल्टा टाइप से कट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका। चलिए अगला करिएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा सवाल है यहाँ पर, अभी आपको जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है यहाँ पर आपको। चलिए करिएगा। चलिए तो इसको इस तरह से मोड़ा है ना, तो हम पहले इधर खोलेंगे इसको। तो जैसे ही खोलेंगे तो क्या लगता है कि ये जो सर्कल नुमा स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि यहां पर लगा दिए हम दर्पण। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो यहाँ पर तिरछा कट है ये कट यहाँ दिखाई देगा, और ये जो कट है ये हमें यहाँ दिखाई देगा। तो बताइए यहाँ से तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा जो है दो कट बीच में भी एक कट रहना चाहिए। अब जब आधा खुल चुका है तो यहाँ आप दर्पण लगाइए, यहाँ आप दर्पण लगाइए। और जब आप इसको ऊपर की तरफ खोलिएगा तो बताइए ये कैसा दिखेगा। हाँ, इसको जब खोले तो यहाँ पर भी एक सर्कल बन गया, समझिएगा, यहाँ पर भी क्या बन गया, एक सर्कल अति ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर ले लिया। अब इसको ऊपर की तरफ खोलिए, ऊपर की तरफ इसको खोलिए तो ये जो कट है, अगर ये दर्पण है तो ये कट यहाँ भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये जो कट है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरी तरीके से जो है शेप ले लेगा, एक तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर भी एक शेप ले लेगा। तो बीच में तीन गो ट्रायंगल, और ये जो कट है ना नीचे, ये कट यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो ऐसा फिगर केवल और केवल आपको जो है बी में दिख रहा है, तो बी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दर्पण के रूल से अगर आप इसको बनाएंगे तो कभी गलती होने का चांसेस नहीं हो रहेगा। देखिए ए टू जेड फिगर आप इससे बना दिए, तो अगला करिए। चलिए इस सवाल को करिएगा, क्या हो जाएगा आंसर 38। चलिए कर पा रहे हैं सब लोग, चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए हुआ क्या, इसको जो है चौकोर टाइप से मोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब पहले इस तरह से इसको जो है, इस तरह से फिगर है तो पहले जैसा ये शेप है ना वैसा बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसा शेप है वैसा पहले इस टाइप से यहाँ से मोड़ा गया है, यहाँ से इसको क्या किया गया, मोड़ दिया गया है ये चौकोर टाइप से। अब ये बीच का बन गया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या इसके साथ, जो पहले क्या है यहाँ पर दो कट लगा दिया, अब ये कट लगाया तो ये भी भाग तो मुड़ा हुआ है, तो जब ऊपर वाला भाग खोलेंगे तो बताइए यहाँ भी एक कट आ जाएगा, और जब नीचे वाला भाग खोलेंगे तो यहाँ भी एक कट आ जाएगा, बात है या नहीं। और ये वाला भाग को जब इसको हम खोलेंगे तो कट आएगा कहाँ से, जब हम इसको राइट वाला अगर भाग खोलेंगे तो कहाँ से कट आएगा, इसके बीच में कोई कट नहीं, इसे दूर है थोड़ा सा, ये ऊपर की तरफ है, तो ये भाग जो खुलेगा इसमें भी कट नहीं रहेगा, और ये जो खुलेगा इसमें भी कट नहीं रहेगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अगला 40 नंबर, और ये तो बहुत आसान है, चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। चलिए अगला करिएगा। चलिए ये है आज का लास्ट सवाल, ये क्या है आज का लास्ट सवाल है आपके सामने। ठीक है, करिए, चलिए करिएगा इस सवाल का, आप लोग आंसर क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो सब लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं,
और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दर्पण अगर लगा दे तो ये जो आपका हर्ट वाला शेप है, कुछ यहाँ पर जो है हर्ट वाला शेप टाइप के यहाँ पर कट किया गया है। तो जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये दर्पण ही तो है, तो यहाँ पर भी एक हर्ट बन जाएगा, यस या नो? तो यहाँ पर भी हर्ट बन जाएगा, ठीक है? तो अभी तो एक भाग खुला ना, तो जब यहाँ पर जो है, और कहाँ कट लगा हुआ है आपका? हाँ, ये तो अभी एक भाग खुला, इसको आधा भाग में खोला गया है। तो जब ये नीचे की तरफ खुलेगा, जब ये नीचे की तरफ खुलेगा तो यहाँ पर भी एक हर्ट का शेप आएगा, यहाँ पर भी जो है एक हर्ट का शेप आएगा, और इस यहाँ दर्पण है तो इसके उल्टा में भी एक हर्ट आएगा, और जब नीचे की तरफ खुलेगा तो यहाँ भी एक हर्ट का शेप आएगा। तो केवल और केवल जो है ये तीनों का तीनों हर्ट अलग अलग रहेगा, ये तीनों का तीनों हर्ट एक तरह से ज्वाइंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये आधा खुला, बात समझिएगा, यहाँ से क्या है, ये आधा खुला। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये अभी आधा खुला ना, तो यहाँ पर आधा तो बनेगा ही, और जब ये आधा खुलेगा तो यहाँ पर भी एक आधा शेप ले लेगा कुछ इस तरह से। तो चार तरह का यहाँ पर हर्ट जो है बन रहा है, और ऐसा फिगर और फिगर ए में दिख रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। कहिए आज की क्लास आपको समझ में आया, मजा आएगा क्या? 90% क्लियर हुआ, 100 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना? मजा आ गया सबको? तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन क्लास और एक नए कॉन्सेप्ट पर। आपको जो है इस तरह का ये तो चलेगा ही, और साथ ही साथ हम लोग जो है रीजनिंग का सारा टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। पूरा कोर्स आप आराम से लीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों को बताइए जो ले चुके हैं, कोई बात नहीं, है ना? तो सब कुछ पूरा डीपली पढ़ाया गया है, जो बच्चा ले चुका है उनसे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं, है ना? वैसे तो आप कॉन्टेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक दूसरे से कोई जान पहचान नहीं रख सकते, है ना? मतलब अब दूर दूर का है बच्चा, कहाँ से सबका दोस्ती होगा, ठीक है? तो ओवरऑल कहें तो ये क्लास बहुत मज़ेदार है, पूरा रीजनिंग पढ़ाया गया, आप आराम से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है?